महमूद मदनी क्या इस देश के गवर्नर लगे हैं? या वो डिसाइड करेंगे कि देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? या मुसलमानों के ठेकेदार लगे हैं? महमूद मदनी जरा मुझे ये बताएं, जो लोग भाजपा लोगों के साथ, भाजपा समर्थककारों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की बातों से ही सहमति दर्ज करेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ऐसे कुछ लोगों को रख रखा है, या कह दीजिए कि उनको पाल रखा है, जो लोग बयान देते हैं जिस कारण देश का माहौल खराब होता है? ना तो ये वक्त CNRC का है, और ना सरकार हमारे और आपके कहने से चलती है, दोनों ही बातें हैं। सरकार को जो करना होगा सरकार वो काम कर देती है, उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता को उससे तकलीफ हो या ना हो, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि महमूद मदनी मुझे लगता है कि वो भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, जिस तरीके से उनके पिताजी राज्यसभा गए थे आप लोगों ने देखा, तो शायद उनका भी मन हो रहा है कि राज्यसभा की कुर्सी हासिल कर लें। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पहले कभी वसीम रिजवी बयान देता है, ठीक है, फिर उसके बाद महमूद मदनी बयान देते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे क्या, शाम को 5 बजे गोदी मीडिया का कोई सा भी टीवी चैनल खोल लीजिए। अरे मुसलमानों के मसीहा है मदनी मोहित शर्मा, मेरी बात सुन लीजिए, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। अगर मुसलमानों के मसीहा हैं तो उमर खालिद के लिए खड़े होकर क्यों नहीं बोलते? बिल्किस बानो के लिए खड़े होकर क्यों नहीं बोलते? और देश की तमाम वो बेटियां जिनके साथ बलात्कार हुआ उनके लिए क्यों नहीं बोलते? बताइए ना मुझे, पहलू खान के लिए क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले बिल्किस बानो के लिए? बताइए ना, कहाँ थे बिल्किस बानो के? बोल दिए थे आप लोग, बोखला रहे हैं। मेरी बात पहले, मेरी बात बानो पे बोल देंगे फिर आपको दिक्कत। मेरी बात सुन लीजिए, कैमरे के पीछे खड़े होकर चिल्लाने से ना कुछ नहीं होता, कभी यहाँ सामने आइए उसके बाद बहुत बेहतर जवाब मिलेगा। इनका खुद नाम राशिद खान है, जरा मुझे बता दीजिए कि क्या आपके मसीहा है वो महमूद मदनी? बता दीजिए, तो अल्लाह है, हमारे मसीहा अल्लाह है। तो फिर आप एक बात मुझे बताइए, तो फिर आप देश के तमाम लोगों के कैसे उनको मसीहा बता दिया आपने? कैसे बता दिया आपने मुझे? दूसरी बात, चुप रहिए, मदनी है, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात ये है कि आपके घर में मदनी साहब के यहाँ से रोटी पहुँचती है क्या? नहीं। तो फिर आपने कैसे उनको मसीहा बता दिया? आपके आस पड़ोस जितने यार दोस्त हैं, जितने मुस्लिम दोस्त हैं, उनके घर में पहुंचाते हैं क्या मदनी साहब रोटी? अरे मदनी साहब, मस्जिदों के बस सुन लीजिए, मस्जिदों के बाहर बहुत सारे लोग हैं जो भीख मांगते हैं, जो लोग रोटी मांगते हैं, लेकिन आपने देखा उनको कभी मदनी साहब रोटी खिलाते हुए नजर आए? तो आपने कैसे कह दिया कि मुसलमानों के मसीहा हैं? आप सुनते जाइएगा इस बात को। पहली बात तो यह है कि CNRC ये फैसला देश की सरकार का है, मदनी साहब का नहीं है, कि मदनी साहब जब कहेंगे तो लागू होगी और मना कर देंगे तो नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं और सस्ती TRP के लिए इस तरीके का बयान देते हैं, और मैं जिस बात से था वहीं से शुरू करूंगा कि अगर आपको ऐसे आदमियों से रूबरू होना है तो आप कुछ मत करिए, शाम को 5 बजे अपना टेलीविजन खोल लीजिए, वहां पर शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पूरा नफरत का सौदा बिठाने का ठेका इस देश की गोदी मीडिया ने रखा है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे नकली वसीम रिजवियों को बिठाल रखा है जो आते हैं और आकर लड़ने और झगड़ने का काम करते हैं। उस कार्यक्रम का मुख्य नाम तो मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें आपको एक व्यक्ति मिलेगा टीका लगाए हुए, एक व्यक्ति मिलेगा दाढ़ी लगाए हुए, उन लोगों का काम ही यही है। दूसरी बात यह है कि जो मदनी साहब कह रहे हैं कि CNRC लागू होनी चाहिए और पूरे देश में होनी चाहिए, भैया आप गवर्नर हो या प्रधानमंत्री हो, आप मुझे बताइए ना। और ये सलाह, आजादी है कोई भी बोल सकता है, वो बोल दिया तो क्या दिक्कत है आप? हैं जी, अभिव्यक्ति की आजादी है कोई भी बोल सकता है, वो बोल दिया तो क्या दिक्कत? आप मेरी बात नहीं समझे, अगर अभिव्यक्ति की आजादी है तो आप अपने ऊपर रख के बोलिए ना, आप होते कौन है कि पूरे देश का आपने ठेका ले लिया? आप होते कौन है? आप मुझे ये बताइए ना। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि पूरे देश में होनी चाहिए, भाई मदनी साहब अपने घर में करा लें, अपने जान पहचान के रिश्तेदारों के लिए करा लें, पूरे देश के लिए होते कौन है बोलने वाले? पूरे देश क्या करेगा क्या नहीं करेगा? मोहित शर्मा जी ये बताइए, वैसी बड़ा नेता या मदनी बड़ा नेता? नहीं, पहली बात तो मुझे एक बात मुझे बताइए कि मदनी साहब कहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या कौन सी पार्टी के नेता है जो आप उनको नेता बता रहे हैं? कौन है? मैं कह रहा हूँ चुनाव में खड़े हो जाएं, अगर खुद राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, सुन लीजिए, राज्यसभा जाने लड़ेंगे वो? अरे मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ तो लें, कहीं से चुनाव लड़ तो लें। अभी ये लोग जिनके कहने पर बयान देते हैं ना, वो खुद बेचारा 1.5 लाख वोट से जीत कर आया है, तो इन लोगों की तो जमानत ही जब्त हो जाएगी, सोचकर तो देखिए। और दूसरी बात तो ये है कि आप ये जो कह रहे हैं मदनी साहब, मुझे, मैं आपको बताता हूँ, वो सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत बीजेपी की तारीफ कर लूं, बीजेपी जो कहती है उसकी हाँ में हाँ हिला लूं, ऐसे ऐसे करके, उसके बाद क्या पता बीजेपी मुझे भी राज्यसभा भेज दे। मुस्लिमों के हितैषी है, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या बिल्किस बानो मुस्लिम नहीं थी, क्या पहलू खान मुस्लिम नहीं था, या उमर खालिद मुस्लिम नहीं था, या तमाम लोग के साथ जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई, या जिनके घरों को ढाया गया, क्या मुस्लिम नहीं थे? शाहीन बाग के मुस्लिमों को हितैषी हैं, शाहीन बाग के मुस्लिम नहीं, तो शाहीन बाग के मुस्लिमों के अगर हितैषी हैं तो एक बात आप मुझे बताइए कि शाहीन बाग के अंदर जिस तरीके से बहन बेटियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, उस वक्त पे मदनी साहब कहाँ थे? बताए ना आप मुझे कहाँ थे उस वक्त पे, कोई जवाब देगा मुझे इस बात का? जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसकी प्लानिंग कर रहे थे, हैं? जो आज बयान आया है उसकी प्लानिंग कर रहे थे। जरा ये बताना CNRC का मुद्दा कब चला था?
2020 में है? और अब क्या चल रहा है, एक मिनट, अब क्या चल रहा है? 24। तो इतने साल में प्लानिंग कर रहे थे, इतने में तो परमाणु और मिसाइल बन जाती है। जितने में लागू 24 में हुआ ना सीए जी, लागू तो 24 में हुआ ना सीए, लागू हो गया। हाँ। ये एक रखकर जरा इधर आइए थोड़ा सा, ये तो बहुत अहम जानकारी आपने इधर रखकर, तो आइए। ये जो आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक मिनट इधर तो आइए। वो तो मुझे भी पता है कि लागू पूरे देश में चला है, लेकिन मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। जारी तो कर दिया ना है जी, नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया ना, नोटिफिकेशन इस देश के, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, नोटिफिकेशन सुन लीजिए, नोटिफिकेशन इस देश के ऐसे होते हैं जैसे 15 लाख के होते हैं, बुलेट ट्रेन के होते हैं, 2 करोड़ के होते हैं। जब उन नोटिफिकेशन पे इम्प्लीमेंट हो जाए ना, तब उसके बाद बात करिएगा। कहने का मतलब ये कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, ये समझ लीजिए। खा रहे थे ना जी, बिरयानी खा रहे थे ओखला में, बिरयानी खा रहे थे, कौन खा रहे थे बिरयानी? मदनी साहब। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, जो आप कह रही हैं, आपके पिताजी या आपकी माताजी वहाँ बिरयानी बना कर देके आई थी, या आपकी जेब से जा रही थी बिरयानी वहाँ? कंगना भी कहती है। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, कोई कहता है कि वहाँ शाहीन बाग में मुफ्त की बिरयानी चल रही थी, कोई कहता है किसान आंदोलन में चल रही थी, अरे किसी के बाप की जेब से जा रही थी क्या? जिसके बाप की जेब से जा रही थी वो आकर जरा मुझे बताए कि इनका बाप दे रहा था, बताए ना आप मुझे भाई। आदमी वहां पर बैठे हैं लोग, अब मुझे ये बता दे, कोई बीजेपी जो धरने प्रदर्शन करती है वहां पर जो खाना और पीना आता है वो नहीं आता, या भूखे मरते हैं? रामदेव जो सलवार पहन के भागा था, तो इतने दिन जो आंदोलन पर बैठा हुआ था भूखा बैठा हुआ था? बताना मुझे भाई। भाई मैडम आप मुझे बता दो, आप बोल रहे हो ना बिरयानी खा रहे थे, तो रामदेव क्या कर रहा था? रामदेव बाबा का नाम लिए हैं अभी मदनी साहब ने, उन्हें हलाल सर्टिफिकेट का दिया है, उनके पतंजलि हलाल हो गया। आप एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये है कि अब के मदनी साहब ने फूड कारपोरेशन भी ज्वाइन कर लिया, एफसीआई भी ज्वाइन कर लिया है क्या, कि कौन क्या चीज खा सकता है क्या नहीं? मुसलमानों का बहुत। नहीं नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, हलाल सर्टिफिकेट दे रहा उनका संगठन, एक बात आप मुझे बताइए, अब क्या मुसलमान उनसे पूछ कर खाना खाएंगे कि ये हलाल है या हलाल नहीं है, ये मुझे बताइए ना आप मुझे। बाबा रामदेव के दोस्त के नहीं खाएंगे, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व करेंगे वो, है मुसलमान के नेता बनेंगे। तो मुसलमान के नेता बनेंगे तो पहले ये मुझे तो बता दो कि उमर खालिद का मुसलमान नहीं, उमर खालिद हिंदू हो गया? उमर खालिद हिंदू हो गया, मुझे ये तो बता दो। मोहित शर्मा, ये एक सवाल ये है कि आप भी जो है एनआरसी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें आप भी थे, तो क्या आपको लगता है कि मौलाना महमूद मदनी जो बयान दिया है लागू होना चाहिए, किस हिसाब से दिया, आप क्या देखते हैं? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं कि सीए एनआरसी की, पहली बात तो ये है कि भाजपा के भी कई नेता ऐसे हैं जो खुद रोहिंग्या है, उनका क्या करेंगे, उनको भी देश से भगाएंगे? बड़ा बयान है ये। अरे मेरा कोई बड़ा बयान नहीं है, मैंने अभी खुद कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी, मैं बता दूंगा आपको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं नाम भी बता दूंगा ठीक है ना। आपकी तरह घर से आधा अधूरा ज्ञान या जानकारी लेकर नहीं चलता हूँ, व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं पढ़ता हूँ मैं, इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा देश के बारे में पढ़ लीजिए। दूसरी बात यह है कि जो लोग सीए और एनआरसी पर बात करने की बात कर रहे हैं या सीए एनआरसी पर चर्चा कर रहे हैं, जरा मुझे आप ये बताइए कि जो सीए एनआरसी इस बात का प्रमाण नहीं दे रही कि देश में जो व्यक्ति लंबे समय से वोट डाल रहा है, अगर आपने सीए एनआरसी को लागू किया है और आप इसके तहत वोटर आईडी कार्ड को जो है वो लीगल नहीं ठहरा रहे हैं, तो जो उनके वोटर आईडी कार्ड से जो सरकार बनी है उसको गिरा दीजिए और देश में दोबारा प्रधानमंत्री का लोकसभा का चुनाव करा लीजिए। है दम इतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में या भाजपा के किसी नेता में? और मदनी साहब, गलती से भाजपा की सरकार चली गई ना तो बिरयानी भी खतरे में आ जाएगी, ये याद रखिएगा। जो अरे मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उनकी बिरयानी और आपकी रोटी दोनों की खतरे में आ जाएगी, ये याद रखिएगा, क्योंकि जितने भाजपा समर्थक कार हैं ना, जो अपने आप को जो खतरे में जो आएगी, सबर करो, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, जो खतरे में जो आएगी, वसीम रिजवी जैसे लोग हैं, इन जैसे लोगों को लोग मुसलमान भी नहीं मानते, और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पीछे लोग नमाज भी पढ़ना नहीं पसंद करते, तो ऐसे लोगों को आप मुसलमान मत कहिए। मोहित शर्मा जाते हैं तो क्या आप मुस्लिम थोड़ी ना हो? हैं जी मोहित शर्मा, एक मिनट, आपको भी मोहित खान कह देते तो आप मुस्लिम थोड़ी ना हो? हाँ ये बात तो है, लेकिन आपको तो पत्तल चाट पत्रकार कहा जाता है, लेकिन ये मत समझिएगा कि आप ऐसे नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे हैं। दूसरी बात ये है कि आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं मोहित खान हूँ या मोहित शर्मा हूँ, मेरा धर्म अरे मैं बता रही है, आप है जनता, तो जनता एक मिनट रुक जाइए, आप सर्वे करने निकली थी मेरे नाम का, कमेंट बॉक्स में जनता है, है? देखती है आपकी, आप इतना जितना समय आप मेरे कमेंट बॉक्स पढ़ने में लगाती है ना, उतना समय अगर देश की स्थिति पर लगा देना तो बहुत अच्छे और तालीम याफ्ता सवाल आप करें, समझ रही है? लेकिन आपका तो काम क्या है, वो व्हाट्सएप पे आते होंगे मेरे कमेंट भी, आते हैं क्या? आपको तो बस हिंदू मुस्लिम करना है, हैं? आपको बस हिंदू मुस्लिम, ओहो मेरे को हिंदू और मुस्लिम करना है? इन्होंने सवाल पूछा महमूद मदनी के ऊपर, तो महमूद मदनी का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है ना, और महमूद मदनी जो है वो देश की महंगाई है, और महमूद मदनी बढ़ते सिलेंडर का दाम है ना, जो आप कह रही है कि आपको तो हिंदू और मुसलमान करना है। कंगना कह रही है कृषि कानून आ रहा है, कंगना कह रही है कृषि कानून आ रहा है, तो उन्होंने माफी तो मांगा पहले, मुंह को थोड़ा सा थोड़ा अपडेट भी लेकर आ जाइए करिए। जब मुंह से माना कि बोलने का ये पैसा नहीं लगता और बोलने पे कोई टैक्स नहीं है, तो गलते चले जाएंगे, गलते चले जाएंगे, पहले पुख्ता जानकारी तो ले लिया, माफी तो मांग लिया, तो कह रही है कि वो कृषि कानून आ रहा है, इशारा तो दे दिया ना।
देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरी बात तो ये सुनिए कि आप लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है आपके बहुत तकलीफ है। मोदी जी को लेकर या उनके समर्थककारों को लेकर अगर कोई कुछ भी बोले तो सबसे ज्यादा जलन आप लोगों को महसूस होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने साथ एक एक बर्नौल की ट्यूब जरूर लेकर चला करें, क्योंकि जिस प्रकार की आपको जलन होती है बर्नौल पूरी एक ट्यूब भर लिया करिए, उसके बाद शायद आपको थोड़ी सी राहत मिले। इतनी जलन मत करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।